ब्रिटेन में ऋषि सुनक की लहर चल रही है। माना जा रहा है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक भारतवंशी का ब्रिटेन की सत्ता में शीर्ष पर पहुंचना अपने आप में एक सुखद विरोधाभास भी है। अंग्रेजों के देश में भारत के ऋषि की कैसी धमक है, आपको दिखाते हैं। वो देश जिसने 200 साल भारत पर शासन किया, क्या वहां का अगला प्रधानमंत्री एक भारतवंशी होगा? ब्रिटेन में ऋषि सुनक के नाम की लहर चल रही और माहौल ऐसा है कि इस लहर के लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां से बोरिस जॉनसन को मजबूर होकर निकलना पड़ा था। The decisions we make today will decide whether the next generation of British people 42 साल के ऋषि सुनक को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रेडी फॉर ऋषि के नारे के साथ वहां जबरदस्त प्रचार अभियान चल रहा है। ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में अपना नेतृत्व स्थापित करना होगा। But one thing has stayed the same. पार्टी का नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है, नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिलहाल एलिमिनेशन चल रहा है। पहले एलिमिनेशन राउंड में ऋषि सुनक सबसे आगे हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये भारतवंशी ब्रिटेन में इतिहास रचेगा। इस वक्त मैं हूँ यूके की पार्लियामेंट के सामने, जहाँ अंदर बहुत गहमा गहमी है और ये देश बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। पहली मरतबा कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है इस देश का, जिसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, ऋषि सुनक, वो सबसे आगे है प्रधानमंत्री की रेस में, यानी कि टोरी पार्टी की लीडरशिप की रेस में, जो इस वक्त सरकार बनाए हुए है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक लम्हा होगा। ऋषि सुनक को पहले राउंड में 88 वोट मिले। उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी वाणिज्य मंत्री पेनी मोरडॉन्ट को 67 वोट मिले। विदेश मंत्री लिज ट्रस को 50 वोट मिले। केमी बैडनॉच को 40, टॉम टेगनहैट को 37, सुएला ब्रेवरमैन को 32, नदीम जहावी को 25 और जेरेमी हंट को 18 वोट मिले। इन 8 उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का दावा किया था। पहले राउंड में सबसे कम वोट मिलने की वजह से नदीम जहावी और जेरेमी हंट बाहर हो गए, जबकि टॉप 6 उम्मीदवारों के बीच दूसरे राउंड की लड़ाई में भी ऋषि सुनक ही आगे रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए बड़ा मुकाबला ऋषि सुनक, पेनी मोरडॉन्ट और लिज ट्रस, इन 3 लोगों के बीच है। ऋषि सुनक और लिज ट्रस को शुरू से ही बड़ा दावेदार माना जा रहा था, जबकि पेनी मोरडॉन्ट को कंजर्वेटिव पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का बड़ा समर्थन मिल रहा है। वेरी गुड इंडीड, ऋषि हैज शोन दैट ही इज वेरी पॉपुलर अमंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर मेनी मेनी रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल that he can unite the party, because the party has to be united if they have to win the election, and he can turn the economy around. I mean, you have seen through during the COVID pandemic how he supported small businesses, families, and preserved jobs and employment. Rishi Sunak ka Bharat se gehra nata hai. उनके माता पिता पंजाब के रहने वाले थे, जो विदेश में जाकर बस गए थे। फिर ब्रिटेन के हैम्पशायर में उनका जन्म हुआ। ऋषि ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले ऋषि इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश और हेज फंड में काम किया है। भारतीय एंगल से ऋषि का एक परिचय ये भी है कि वो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति के दामाद है। इसीलिए ऋषि को लेकर ब्रिटेन में भारतवंशी लोग बेहद उत्साहित हैं और भारत में भी ऋषि को आगे बढ़ने को अलग नजर से देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।